बॉडी में कितने परसेंट पानी की कमी से आपकी मौत हो सकती है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज सबसे बेहतर है? वो कौन से लोग हैं जो दुनिया को बदल के रख सकते हैं? पूरी वीडियो देखो, सब समझा दूंगा। चलो काम की बात करते हैं। फैक्ट नंबर वन, कंगारू एक ऐसा जानवर है जो उल्टा नहीं चल सकता क्योंकि इसमें बैक गियर नहीं होता, और हाथी एक ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता क्योंकि इसमें शॉकर नहीं होता। नंबर टू, एक ब्लू व्हेल एक बार में 2000 गुब्बारे जितनी सांस लेती है और उतनी ही सांसों को छोड़ती है। नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि जो कारखाना है, हाँ हाँ वही नासा, तो नासा के अनुसार संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज है। नंबर फोर, क्या आपको पता है कि पेंसिल में ये जो काले रंग का कोयला होता है, इसकी वैल्यू क्या है? पहली बात कि ये कोई कोयला नहीं बल्कि ये ग्रेफाइट होता है, और एक पेंसिल में इतना ग्रेफाइट होता है कि इससे 35 मील लंबी लाइन खींची जा सकती है और करीब 45,000 शब्द लिखे जा सकते हैं। नंबर फाइव, हर मजनू को ये बात पता होनी चाहिए कि तितली का दिल एक मिनट में 500 बार धड़कता है, वही एक छिपकली का दिल एक बार में 1000 बार धड़कता है। अब आप कमेंट करके बताओ कि आप छिपकली के पीछे पागल हो या तितली के। नंबर सिक्स, दुनिया के टॉप 100 सबसे अमीर लोग एक साल में इतना पैसा कमा लेते हैं कि उन पैसों से दुनिया की सारी गरीबी को 4 बार खत्म किया जा सकता है। नंबर सेवन, हमारी बॉडी में 1% पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लग जाती है, वही ये कमी अगर 10% हो जाए तो आप परलोक सिधार सकते हैं, इसलिए जब भी प्यास लगे तो फौरन जाके पानी पिए। नंबर एट, शुरुआत में एटीएम का पिन 6 नंबर्स का होता था लेकिन एटीएम आविष्कारक की पत्नी को सिर्फ 4 ही अंक याद रहते थे, इसलिए इसे 4 अंक का कर दिया गया। कुछ भी। नंबर नाइन, गरनाई नाम की एक मछली होती है जो पानी में तैर भी सकती है, जमीन पे चल भी सकती है और हवा में उड़ भी सकती है, कहीं ये मार्वल स्टूडियो से तो नहीं आई? नंबर टेन, इस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी आँख खुली होगी, अब ये तो कोई बात हुई नहीं, सभी आँखें खोल के ही देखते हैं, लेकिन स्किन्स नाम का एक जीव होता है जो अपनी आंखें बंद करके भी देख सकता है, मतलब अगर आप उसको ये वीडियो दिखाओगे तो आंख बंद करके भी वो ये वीडियो देख सकता है, मतलब कमाल है भाई। वीडियो देख के कुछ ज्ञान बढ़ा तो सब्सक्राइब कर लो।